नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि नृत्य प्रति आपकी जिज्ञासाओं, आपकी रुचि और आपके अनुरोध को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए इन व्याख्यानों को आयोजित करते हैं और सीसी के इन लाइव लेक्चर्स के माध्यम से आप सभी लाभान्वित होते हैं, इस बात की हम उम्मीद करते हैं। मित्रों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे हिंदी संत काव्य परंपरा और संत कबीर के बारे में। और इस सेशन के लिए पर फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विनीता कुमारी। डॉक्टर विनीता कुमारी स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। गत कई वर्षों से अध्यापन के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं और इनकी लगातार यही कोशिश रहती है कि किस प्रकार ये सभी छात्र छात्राओं को हिंदी के विभिन्न विषयों से अवगत करें। मित्रों, बताना चाहेंगे, अगर आप आज डॉक्टर विनीता कुमारी से प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-110-430। नंबर पुनः नोट करें, 1800-110-430। मैं सभी मित्रों से अनुरोध करना चाहूँगी कि आप लेक्चर के आखिरी 10 मिनट में ही कॉल करें, जिससे सबसे पहले आपके लिए आज के इस विषय को समझना आसान हो जाए और उसके उपरांत आपकी जिज्ञासाओं को पूर्ण करने का वादा हम करते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर विनीता कुमारी का और आज के इस व्याख्यान को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर विनीता कुमारी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गीतिका। नमस्कार मित्रों, आज की चर्चा का हमारा विषय रहेगा हिंदी संत काव्य परंपरा और संत कबीर। हमारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, काल विभाजन की दृष्टि से हम उसे 3 भागों में बांटते हैं, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। मध्यकाल हमारा 13वीं शताब्दी से प्रारंभ होकर के और 19वीं शताब्दी तक चलता है और इस मध्यकाल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल जिसे भक्ति काल कहा जाता है, 13वीं शताब्दी से लेकर के और 17वीं शताब्दी तक का ये कालखंड रहता है और उत्तर मध्यकाल 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक है, जिसे हम रीतिकाल के नाम से जानते हैं। तो आज हम जिस कालखंड की चर्चा करने जा रहे हैं वे पूर्व मध्यकाल की है, भक्ति काल की बात कर रहे हैं। 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक हमारा जो पूरा एक कालखंड है वो भक्ति से ओतप्रोत रहा है। भक्ति की भी मुख्य रूप से 2 धाराएं चली, एक निर्गुण भक्ति काव्य धारा और एक सगुण भक्ति काव्य धारा। निर्गुण भक्ति काव्य धारा जो ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप को मानती थी, ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप को स्वीकार करती थी और ईश्वर की प्राप्ति ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, नाम स्मरण के द्वारा, नाम जप के द्वारा मानी जाती थी। और दूसरी जो काव्य धारा थी वह थी सगुण भक्ति काव्य धारा। और सगुण भक्ति काव्य धारा वह भी ईश्वर को, ब्रह्म को निर्गुण निराकार मानती थी, परंतु उनका विश्वास ये था कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर महा अभिमानी, तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा। कि जब जब धर्म का विनाश होता है, जैसे भगवद गीता में भी कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो उस तरह से जब जब धर्म का विनाश होता है, जब जब समाज में अधर्म बढ़ने लगता है, जब जब असुर बढ़ने लगते हैं और जब जब संतों को कष्ट आते हैं, तो परित्राणाये साधु नाम विनाशाये च दुष्कृतम। तो उसके लिए प्रभु जो हैं, निर्गुण निराकार जो ब्रह्म हैं, वो किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। तो वे जो अवतार को मानते हुए सगुण भक्ति काव्य धारा चलती है और उसमें वैसे तो हमारे पौराणिक शास्त्रों में 10 अवतार माने गए हैं, पर 2 मुख्य अवतारों को लेकर के इस कालखंड में भक्ति की, सगुण भक्ति की 2 काव्य धाराएँ चलती हैं। एक राम भक्ति काव्य धारा जिसके प्रतिनिधि प्रवर्तक गोस्वामी तुलसीदास कहलाते हैं और दूसरी है कृष्ण भक्ति काव्य धारा जिसके प्रतिनिधि प्रवर्तक सूरदास कहलाते हैं। ये सगुण भक्ति की बात है। और दूसरी ओर जो निर्गुण भक्ति काव्य धारा है
उसी ही ज्ञानाश्रयी काव्य धारा भी कहा जाता है और संत काव्य धारा भी कहा जाता है, क्योंकि इस निर्गुण काव्य धारा के दो मुख्य भेद आगे चल करके देखते हैं हम। एक है जो ज्ञान का आश्रय लेकर ज्ञान के मार्ग से प्रभु की प्राप्ति की बात करते हैं, वह कहलाया ज्ञानाश्रयी काव्य धारा, और इस काव्य धारा में अधिकांश संत हुए तो इसलिए इसका एक नाम संत काव्य धारा भी कहा गया। इसी तरह से दूसरी काव्य धारा जो निर्गुण निराकार ईश्वर को ही मानती थी परंतु उसकी प्राप्ति का उपाय प्रेम मानती है, तो वे कहलाई प्रेम मार्गी काव्य धारा और या प्रेमाश्रित काव्य धारा, और इसे सूफी काव्य धारा भी कहा जाता है। तो एक और ज्ञानाश्रित काव्य धारा और दूसरी और प्रेमाश्रित काव्य धारा, एक और संत काव्य धारा, दूसरी और सूफी काव्य धारा, ये पर्याय के रूप में चल रही है। तो आज मित्रों हम चर्चा करेंगे संत काव्य परंपरा की, कि हमारे देश में ये संतों की जो काव्य परंपरा है ये कब से प्रारंभ हुई, इसका उद्भव कैसे कब हुआ और किस रूप में ये परंपरा विकास को प्राप्त हुई, आज ये परंपरा हमें किस रूप में दिखाई देती है, और इस पूरे काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि या प्रवर्तक संत कबीर माने जाते हैं, और कबीर से पूर्व हुए स्वामी रामानंद जो कबीर के गुरु भी माने जाते हैं। तो रामानंद जी से पूर्व संतों की क्या परंपरा रही, कहाँ से प्रारंभ माना जाता है, हम वहाँ से शुरू करेंगे और आज चर्चा करेंगे कबीर तक। समय को देखते हुए हम कबीर तक आज की अपनी चर्चा को सीमित रखेंगे। तो जो हमारी संतों, पहले तो हम समझें कि संत शब्द से अभिप्राय क्या है, संत कहते किसे हैं। संत जो है, संत शब्द की व्युत्पत्ति देखी जाए तो संत शब्द सत शब्द से व्युत्पन्न है। सत, सत अस्तित्व का बोधक है, होने का, विद्यमानता का, अस्तित्व का बोधक है, और सत से ही सत्य शब्द बना, और ये सत्य सत का ही पर्यायवाची रूप है। संत से अभिप्राय जो सत्य के प्रति पूर्ण आस्था रखने वाले हैं, जो सत्य के अनुसार जीवन में आचरण करने वाले हैं, ना केवल सत्य के प्रति आस्था रखते हैं अपितु उनका पूरा जीवन सत्य से युक्त रहता है, उनके आचरण में ही सत्य आता है। संत वह जिनका जीवन शुद्ध है, जिनका जीवन सरल है, सादगी से पूर्ण है और सात्विक है, वे संत हैं। सभी धर्मों, जातियों, संप्रदायों के प्रति जिनके हृदय में समन्वय का भाव रहता है, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय के प्रति उनके मन में कोई राग द्वेष नहीं रहता, कोई पक्षपात का भाव नहीं रहता, वे सभी धर्मों की जो अच्छी बातें हैं, सभी धर्मों के जो सद्गुण हैं, उन धर्मों की जो विशेषताएं हैं उनको स्वीकार करते हुए, उनमें समन्वय स्थापित करते हुए अपना एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। संत कबीर ने संत का लक्षण बताते हुए कहा निर्वैरी निहकामता, निर्वैरी निहकामता साई सेति नेह, विषया सु न्यारा रहे संतन का अंग। क्या अभिप्राय है? निर्वैरी, संत का पहला लक्षण ही कबीर दास ने माना है कि वे वैर रहित, शत्रुता के भाव से रहित है, राग द्वेष से रहित है। अगर हमारा किसी एक के प्रति राग है, प्रेम है, तो किसी अन्य के प्रति द्वेष का, ईर्ष्या का या शत्रुता का भाव भी रहता है। परंतु संत की पहली पहचान ही यही है कि संत निर्वैर, वैर रहित, शत्रुता के भाव से रहित रहता है, समभाव से युक्त रहता है। निर्वैरी निहकामता, निहकामता से अभिप्राय है जो काम भाव से रहित है,
जिसके भीतर कोई कामना कोई इच्छा शेष नहीं है, जो सब जो भी काम करता है प्रभु के लिए, जो कीजिए हरि हेत, प्रभु का कार्य मान करके और स्वयं को निमित्त मान करके कार्य करता है, तो वे निःकामता निष्काम भाव से कर्म करने वाला हो, निर्वैरी निःकामता। ये तो आचरण से जुड़ी हुई बात हो गई। और उसका तीसरा लक्षण क्या बोला? साई सेति नेह। साई ईश्वर के लिए आया है, प्रभु के लिए आया है। कबीर हर बार प्रभु के लिए एक नया संबोधन करते हैं। सगुण उपासना में जो संबोधन आते हैं, राम है, कृष्ण है, केशव है, बिठुला है, नारायण है, हरि है, इन सब संबोधनों को भी लेते हैं। कभी प्रभु को साई कहेंगे, कभी साहब कहेंगे, कभी खुदा कहेंगे, कभी अल्लाह कहेंगे। तो मन में जैसा भाव आता है विषय के अनुरूप वे वैसा ही संबोधन कर देते हैं। तो यहाँ संत का लक्षण बताते हुए वे कहते हैं कि संत कौन है? साई सेति नेह। नेह मतलब स्नेह, प्रेम, जो ईश्वर से प्रेम करता है, ईश्वर के प्रति जिसके मन में स्नेह का, प्रेम का, प्रीति का भाव है। विषया सु न्यारा रहे। हम सब सांसारिक जीव विषयों के आकर्षण में फंसे हुए हैं, भौतिक सुविधाओं में, भौतिक ऐश्वर्यों में, विलासिता में डूबे रहते हैं। परंतु जो संत हैं, सच्चे संत हैं, वो सभी विषय, इंद्रियों के जितने विषय हैं, कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के जो विषय हैं, उन सब से परे, विषयासु नियारा रहे, उनसे अलग रहता है। ये संतन का अंग है, ये संतों का लक्षण है। तो इस तरह से संत कबीर ने स्पष्ट रूप से संत का लक्षण दिया। और संत काव्य की जो हम परंपरा देखते हैं, उस परंपरा में हम देखते हैं संतों का अपना जीवन, उनका अपना चरित्र, उनका आदर्श हमारे समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करता है। वे केवल उपदेश नहीं देते, उनकी केवल कथनी कथनी नहीं है, करनी भी है और रहनी भी है। जैसी वो मुख से कहते हैं वैसा ही उनका आचरण रहता है, वैसे ही वे कर्म करते हैं और उनका पूरा जीवन उसी कथनी के अनुसार, उसी के अनुसार रहता है। वो समाज के लिए एक आदर्श बन करके आते हैं। तो संतों का जो प्रारंभ, संत काव्य परंपरा है, इसका प्रारंभ तो दक्षिण भारत में, पूर्व भारत में, उत्तर भारत में, पश्चिम में, चारों तरफ दिखाई देता है। हम बात पर हिंदी संत काव्य परंपरा की करेंगे, जो हमारे उत्तर भारत के में संत हुए उनकी बात करेंगे, क्योंकि उनकी रचनाएं हमें हिंदी में उपलब्ध होती है, ब्रजभाषा में, अवधी में, हिंदी की विविध बोलियों में उपलब्ध होती हैं। पर परंपरा जो प्रारंभ है वह हमें स्वामी रामानंद से पूर्व, पूर्वी भारत में जब हम देखते हैं, विशेष रूप से बंगाल अवधि में, क्योंकि उससे पूर्व बौद्ध धर्म था, तो बौद्ध धर्म की जो संप्रदाय वज्रयान और महायान बन गए, सिद्धयान बन गए थे, उनका प्रचलन, उनका प्रसार बंगाल में ज़्यादा था। बंगाल में सिद्ध साहित्य की रचना अधिक हुई, वहाँ पर इन सिद्धों के द्वारा, वज्रयानियों के द्वारा एक वाम मार्गी साधना को, एक तांत्रिक साधना को बढ़ावा दिया जा रहा था। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में एवं राजस्थान में नाथ पंथ और वैष्णव संप्रदाय ये अधिक प्रचलन में थे, समाज में इनका प्रचार प्रसार अधिक था। नाथपंथियों का प्रचार प्रसार राजस्थान में भी और महाराष्ट्र में बहुत अधिक था, ये वहाँ पर व्याप्त थे। और पूर्व की बात करें तो पूर्व में संत जयदेव हुए, दक्षिण में संत ज्ञानदेव हुए और नाम ज्ञानेश्वर जिनको कहा जाता है और नामदेव हुए, पश्चिम में संत वेणी हुए, सदना हुए, सेन हुए और कश्मीर में संत लाल दयाद हुए। यद्यपि और भी बहुत सारे संत हुए, पर कबीर से पूर्व जिन संतों का आज हमें उल्लेख मिलता है या जिनके कुछ पद उपलब्ध होते हैं, उनमें मुख्य रूप से
ये संत मिलते हैं। इन संतों में देखें तो सबसे पहले हमारे पास नाम आता है जयदेव का। सिख संप्रदाय का ग्रंथ है आदि ग्रंथ। गुरु नानक देव के द्वारा जो पंथ प्रारंभ हुआ, उस पंथ में आगे चलकर के पांचवें गुरु अर्जुन देव हुए, जिन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। और आदि ग्रंथ में उन्होंने गुरु नानक देव के बाणियों को तो संग्रह किया ही, गुरु नानक देव से पूर्व जितने भी संत हुए उनकी जो वाणियाँ उपलब्ध हुई, उन सब वाणियों का संग्रह भी आदि ग्रंथ में मिलता है। और उन वाणियों, वे वाणियाँ प्रामाणिक भी मानी जाती हैं। तो उन वाणियों के आधार पर हम इन संतों के बारे में, इनकी विचारधारा के बारे में कुछ जान पाते हैं। अब जयदेव की जो बात की जाती है, जयदेव को लेकर विद्वानों में मतभेद है कि ये जयदेव गीत गोविंदकार जयदेव है या कोई और अन्य संत जयदेव हुए, क्योंकि इनका परिचय हमें कहीं प्राप्त नहीं होता। आदि ग्रंथ में इनके दो पद संकलित किए गए हैं और इन दो पदों में उन्होंने भक्ति की प्रशंसा की है। तो जयदेव गीत गोविंदकार जयदेव हैं, उड़ीसा प्रांत में रहने वाले जयदेव हैं या कोई पंजाब के संत जयदेव थे, तो ये अभी तक शोध किया जा रहा है, परंतु अभी तक निश्चित नहीं हो पाया है। परंतु इन जयदेव के नाम से एक पद आदि ग्रंथ में, दो पद मिलते हैं आदि ग्रंथ में। और कबीर भी जयदेव का नाम लेते हैं, सनक सनंदन जयदेव नामा, जयदेव का और नामदेव का दोनों का नाम लेते हैं। और इनको कहते हैं कि ये भक्ति की पराकाष्ठा तक पहुँचे हुए थे, इनको आदर्श भक्त के रूप में स्वीकार करते हैं और संत कबीर इनके प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं। तो परंतु इन जयदेव का जन्म कहाँ हुआ, इनका जन्म स्थान क्या था, इनके विषय में हमें जानकारी नहीं मिलती। बस इन दो पदों के आधार पर ये माना जाता है और कबीर की पंक्ति के आधार पर ये माना जाता है कि ये कबीर के पूर्ववर्ती संत रहे। दूसरे संत हुए साधना। साधना का माना जाता है कि ये विक्रम की 14वीं शताब्दी में हुए और पश्चिम प्रदेश में उत्पन्न हुए। नामदेव के समकालीन संत थे। जिस प्रकार नामदेव महाराष्ट्र में प्रसिद्ध थे, उसी तरह से पश्चिम में संत साधना जो है वो प्रसिद्ध थे। साधना जाति के कसाई थे, अपना पैतृक व्यवसाय मांस बेचने का करते थे, परंतु पैतृक व्यवसाय को करते हुए भी उन्होंने भक्ति के मार्ग को कभी नहीं छोड़ा। उनका मन भक्ति में, प्रभु की भक्ति में ही लीन रहते थे, परंतु कर्म वे मांस बेचने का करते थे। तो अपने जीवन का ये आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि कर्म तो हम प्रभु का एक निमित्त बन करके, एक माध्यम बन करके कर रहे हैं, परंतु हृदय में भाव हमारा प्रभु भक्ति का होना चाहिए। तो मांस तोलते रहते थे, तो वो शालिग्राम का बाट रख देते थे, उनको ये भी नहीं याद ध्यान रहता था कि वे शालिग्राम को मांस तोलने के बाट के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। इनके विषय में अनेक जनश्रुतियाँ प्रचलित हैं, परंतु प्रामाणिक हम उनको नहीं मान सकते। और आदि ग्रंथ में इनका एक पद संकलित है। इसके अतिरिक्त साधना के बारे में और हमें कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। अगले हमारे संत रहे संत बेनी। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने अपने एक पद में इनका नाम लिया है। तो गुरु अर्जुन देव ने अपन जो स्वयं रचना की है उसमें भी इनका नाम ले रहे हैं, तो संत बेनी का प्रभाव उस समय समाज में अधिक रहा होगा। और इनके तीन पद आदि ग्रंथ में संकलित भी किए गए हैं, परंतु इसके अतिरिक्त संत बेनी के विषय में और कुछ ज्ञान, कोई जानकारी हमें उपलब्ध नहीं होती है। इसी तरह से अगले संत हुए संत त्रिलोचन। संत त्रिलोचन, इनका जन्म विक्रमी संवत 1324 में हुआ, वैश्य परिवार में, वैश्य कुल में इनका जन्म हुआ। ये नामदेव के घनिष्ठ मित्र थे, नामदेव के साथ इनकी
चर्चा भी चलती रहती थी, उनके साथ उनका अंतरंग संबंध था। और त्रिलोचन के आदि ग्रंथ में चार पद उपलब्ध होते हैं त्रिलोचन के नाम से, और इनके नाम, इनके विषय में ये भी प्रसिद्धि है कि त्रिलोचन अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों लोकों के ज्ञाता थे। वे तीनों लोकों में घटित होने वाली घटना को, तीनों कालों में घटित होने वाली घटना को प्रत्यक्ष देख लेते थे, तो इसीलिए इनका नाम त्रिलोचन भी पड़ा। तीन लोचन वाला, तीन नयनों वाला त्रिलोचन, की जो तीनों कालों का, तीनों लोकों की घटनाओं को जान लेते हैं, इसलिए इनका नाम त्रिलोचन पड़ा। इसके अतिरिक्त इनके विषय में भी कोई विशेष जानकारी हमें उपलब्ध नहीं होती। इसके पश्चात आते हैं संत नामदेव। संत नामदेव, इनका जन्म विक्रमी संवत 1326 में हुआ, सतारा जिले के नरसी बमनी गांव में। इसीलिए इनका, इनको नरसी भगत भी कहा जाता है, और छिपी जाति से थे। इनके गुरु संत बिसोवा खेचर थे। और प्रारंभ में तो संत नामदेव जो हैं वे पंडरपुर में विठोबा के मंदिर में बैठ कर के प्रभु भक्ति के पद गाया करते थे। प्रारंभ में तो ये सगुण भक्ति के ही भजन किया करते थे, गीत गाया करते थे, और पंडरपुर के विठल ही इनके इष्ट देव थे। परंतु आगे चल कर के ये निर्गुण भक्ति की ओर प्रेरित हो जाते हैं, निर्गुण भक्ति ही इनका आधार बनती है। परंतु इन्होंने जो पद लिखे, जो इनकी पदों में देखते हैं, तो अधिकांशता पदों में ये विठल की बात कर, कहीं बीठूला कहते हैं, कहीं विठल कहते हैं, कहीं बीठल कहते हैं, तो इनके इष्ट देव जो रहे वो बीठल रहे। परंतु इनकी भक्ति भावना जो है वो निर्गुण भक्ति भावना है। प्रारंभ में भले ही इन्होंने सगुण भक्ति के पद गाए हैं, और संत नामदेव जो है इनके सबसे अधिक पद हमें आदि ग्रंथ में मिलते हैं। आदि ग्रंथ में इनके 60 से अधिक पदों का संकलन किया गया है। वैसे इनके इन्होंने अभंगों की रचना की, और इनके अभंग मराठी भाषा में है, और इन्होंने हिंदी में भी रचनाएं की। तो मराठी भाषा में जो अभंग रचे गए और जो हिंदी में इनकी रचनाएं हैं, उनको देख करके इनकी विचारधारा के बारे में हम यही कह सकते हैं कि ये परमात्मा को ही सब कुछ मानते हैं। इनके अनुसार परमात्मा सबके भीतर तथा बाहर सर्वत्र व्याप्त है। जैसे कबीर कहते हैं, सब में है साईं रमता, प्रभु घट घट में व्यापक है। तो नामदेव का भी यही मत है कि ईश्वर जो परमात्मा है वो बाहर भी है और प्राणी के भीतर भी विद्यमान है, और परमात्मा सब और व्याप्त है, और उसी के प्रति हमें एकांत निष्ठ रहना चाहिए, उसी के प्रति हमें अपनी अनन्य भक्ति भाव धारण करना चाहिए। यही मनुष्य का परम धर्म है कि वे प्रभु के प्रति अपनी एकांत निष्ठा रखे। संपूर्ण जगत को वह एक उदार चेता प्रेमी की दृष्टि से देखते हैं। उनके मन में एक अगाध प्रेम का भाव है, और सभी प्राणियों को वो उस प्रेम की दृष्टि से देखते हैं। उनके मन में एक उदारता का भाव है, और इनके लिए जगत के सभी प्राणी भगवत स्वरूप थे। हर प्राणी में वे भगवान का रूप देखते हैं। और कबीर तो इन्हें एक आदर्श भक्त के रूप में मानते हैं, और वे मानते हैं कि ये अपनी भक्ति की चरम पराकाष्ठा पर पहुँचे हुए थे। इसीलिए वे अपने पद में नामदेव का नाम भी लेते हैं, और सनक और सनंदन ऋषियों के साथ इनको जोड़ते हैं। सनक सनंदन जयदेव नामा भक्ति करी, तो उनकी जो भक्ति है वो अपने चरम तक पहुँची हुई थी। हम नामदेव की विचारधारा को जानने के लिए एक पद आपके सामने करेंगे। उस पद से आप जान पाएंगे कि उनके भक्ति भाव किस रूप में है, वे ईश्वर को किस तरह से सर्वव्यापक मानते हैं। उनका पद है
एक अनेक व्यापक पूरक, कि परमात्मा है तो एक, ईश्वर एक ही है, परंतु वही एक ईश्वर अनेक रूपों में सारे जगत में, सारे संसार में परिव्याप्त है। जो हमारे वेदों में पंक्ति आती है, एको अहम बहुश्यामा, कि वे एक है परंतु उनके मन में अनेक होने की इच्छा हुई और इस रूप में संपूर्ण सृष्टि का विकास हुआ और संपूर्ण सृष्टि में वही एक परमेश्वर विराजमान है। तो उसी बात को नामदेव कहते हैं एक अनेक व्यापक पूरक। जत देखत तत सोई, जिधर देखते हैं वहाँ परमात्मा का ही स्वरूप, परमात्मा का ही छवि दिखाई देती है। जैसे कबीर कहते हैं, जित देखो ते लाली देखन मैं गई, मैं कह लाली मेरे लाल की, जित देखूँ तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो चारों ओर परमात्मा का नूर परिव्याप्त है, हर घट में परमात्मा परिव्याप्त है। और इसी बात को संत नामदेव भी कहते हैं, जत देखत, जिधर देखता हूँ तत सोई, वहाँ वही परमेश्वर का स्वरूप दिखाई देता है। माया चित्र विचित्र विमोहित, प्रभु की माया है जो चित्र विचित्र है, अनेक अनेक रंगों में, अनेक अनेक रूपों में वो विमोहित, संसार को मुक्त करती है, संसार को मोहित करती है, भ्रमित करती है। तो बिरला बूझे कोई, और इस बात को कोई बिरला ही जान पाता है। तो माया चित्र विचित्र विमोहित, तो माया अपने विविध रूपों से संसार के सभी जीवों को मुग्ध करती है, मोहित करती रहती है, और इस बात को बिरला बूझे कोई, कोई बिरला ही जान पाता है, वही समझ पाता है। सब गोविंद है, सब गोविंद है। अभी पहले ही मैंने कहा कि वे क्या कहते हैं कि सभी जीव, सभी मानव ईश्वर के रूप हैं, वे सबको भगवत स्वरूप मानते हैं। इसलिए स्पष्ट कहते हैं सब गोविंद है, सब ईश्वर है, सब गोविंद है। गोविंद बिनु नहीं कोई, परमात्मा के बिना और किसी का अस्तित्व नहीं है, बाकी परमात्मा के अतिरिक्त सब माया है। सत एक सूत एक मणि सत सहस, जैसे उदाहरण बताते, जैसे एक धागा है, धागा एक है पर उसके अंदर अनेक मणियाँ पिरोई जाती हैं। धागा तो उसके भीतर एक ही है, मणियाँ अलग अलग हैं, सहस्र मणियाँ हैं परंतु भीतर धागा एक है। उसी तरह से परमात्मा एक है जो अलग अलग जीवों में प्रतिभासित होता है। तो सूत एक मणि सत सहस जैसी, मोती प्रीत प्रोति प्रभु सोई, तो मोतियों की तरह प्रभु हर पर इस जीव में समाया हुआ है। जल तरंग अरु फेन बुदबुदा, जैसे पानी है, जल है, और जल में तरंगे लहरें भी हैं, जल में बुदबुदे बुलबुले भी हैं। अब बुलबुले और तरंगे पानी से भिन्न तो नहीं है, तो वे पानी का ही रूप, वही तरलहर फिर पानी बन जाती है, वही बुलबुले फिर पानी में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जल तरंग अरु पवन फेन बुदबुदा, जल ते भिन्न नहा है, वो जल से भिन्न नहीं है, वो जल का ही विवर्त है, जल का ही प्रतिरूप है। इहु पर पंच पर ब्रह्म की लीला, पर पंच ये पूरा जगत, ये पूरा संसार उस पर ब्रह्म की, परमात्मा की ही लीला है, उसी का ही विकास है। विचरत आन न होई, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इस तरह से वे परमात्मा को सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, प्रत्येक जीव के अंदर विराजमान मानते हैं। तो इस तरह से संत नामदेव की हम देखते हैं वे निर्गुण उपासक रहे हैं, और ये कबीर से पूर्ववर्ती संतों में इनका अग्रगण्य स्थान है। तो मित्रों, हम क्षणिक अंतराल रहेंगे और फिर इस चर्चा को पुनः आगे बढ़ाएंगे।
और हम धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर नीता कुमारी को, जिनके माध्यम से हम आज संत परंपरा को जान रहे हैं। और मित्रों, हम यही चाहेंगे कि आप निरंतर हमें यूं ही देखते रहें। हम आप सभी के सम्मुख फिर विराजमान होंगे, फिर आप सभी को इस विषय से अवगत करेंगे। आप सभी से अनुरोध है, आप हमारे साथ बने रहें। हम हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव सेशन में आप सभी का पुनः स्वागत है। मित्रों, आप सभी अवगत हैं कि आज हम चर्चा कर रहे हैं हिंदी संत काव्य परंपरा और संत कबीर पर। मित्रों, अगर आप आज के इस विषय संबंधी कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप सभी से साझा करना चाहेंगे कि इस व्याख्यान के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विनीता कुमारी, और इनसे प्रश्न पूछने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-110-4300। अब मैं डॉक्टर विनीता कुमारी का एक बार फिर से स्वागत करना चाहूँगी और अनुरोध करना चाहूँगी आपसे ही कि आप इस व्याख्यान को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद गीति। हम संत काव्य परंपरा की चर्चा कर रहे हैं, कबीर से पूर्व जो संत हुए, जिनमें हमने जयदेव की बात की, सदना की बात की, सेननाई की बात की, बेनी है, त्रिलोचन है, नामदेव की चर्चा की, और इनके पश्चात जो संत विशेष रूप से हमारे संत काव्य परंपरा में जिनका अधिक प्रभाव रहा वे रहे स्वामी रामानंद। स्वामी रामानंद से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से परवर्ती सभी संत प्रभावित रहे। स्वामी रामानंद, जिनका संप्रदाय रामावत संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म विक्रमी संवत 1356 में हुआ और प्रयाग में हुआ। कान्यकुब्ज ब्राह्मण वंश में ये उत्पन्न हुए, कान्यकुज ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुए, और इनका संप्रदाय था रामावत संप्रदाय। और रामानंद एक स्वाधीन चेता महापुरुष थे, एक जन जागृति लाने वाले, समाज को दिशा दिखाने वाले, समाज को प्रबोधित करने वाले संत थे। और इनके चरित्र बल एवं असाधारण व्यक्तित्व के कारण एक नवीन जागृति का शंख इन्होंने समाज में फूंका, समाज में एक नवीन जागृति लाए। उस समय समाज में जातिगत भेदभाव चरम सीमा पर पहुंच गया था, स्पृश्य अस्पृश्य का भाव एक कुप्रथा के रूप में, एक विकृति के रूप में समाज में प्रसारित हो चुका था। स्वामी रामानंद यद्यपि स्वयं ब्राह्मण वंश के थे, कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे, परंतु इन्होंने इस जातिगत भेदभाव का सबसे प्रबल विरोध किया। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। और स्वामी रामानंद ही दक्षिण से भक्ति की परंपरा को उत्तर भारत में लेकर के आए और यहाँ आकर के इन्होंने प्रचारित प्रसारित किया। बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति इनके बारे में है, भक्ति द्राविड़ उपजी
लाए रामानंद, कि द्राविड़ दक्षिण भारत में जो भक्ति की लहर चल रही थी उस लहर को उत्तर भारत में लाने, प्रचारित प्रसारित करने का श्रेय स्वामी रामानंद को जाता है। और स्वामी रामानंद के शिष्य हुए रामावती, अनंतानंद, सुरसरी, सुरतानंद, कबीर, रैदास, पीपा आदि। भक्तमाल में, नाभादास के भक्तमाल में स्वामी रामानंद के इन सभी शिष्यों पर एक दोहा भी प्रचलित है और आदि ग्रंथ में इनका एक पद संकलित किया गया है। स्वामी रामानंद वैष्णव संप्रदाय से थे, वैष्णव संप्रदाय को लेकर के आगे बढ़े हैं, परंतु स्वामी रामानंद यद्यपि राम की भक्ति की बात करते हैं परंतु ये भी निर्गुण उपासक रहे हैं, निर्गुण की उपासना की है। और इनके भक्तों में निर्गुण उपासक और सगुण उपासक सभी विद्यमान रहे, सभी इनके अनुयायी बने हैं। स्वामी रामदेव के शिष्यों के बाद, रामदेव के बाद स्वामी रामानंद के बाद संत कबीर आए और संत कबीर से फिर काव्य की जो परंपरा थी वे आगे प्रारंभ होती है। संत कबीर के समकालीनी संत रविदास हुए, संत दादू दयाल हुए, उनके बाद चलकर के नानक आते हैं, संत रज्जब आए, संत सुंदरदास आए, जम्बो जी आए, लालदेव आए, मलूकदास आए, फिर तो हमें संतों की पूरी एक बड़ी परंपरा देखने को मिलती है। पर कबीर जो थे वो इस पूरी काव्य परंपरा के प्रतिनिधि के रूप में आते हैं, वे इस पूरी परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। संत कबीर रामानंद के शिष्य थे, यद्यपि इसमें मतभेद है, कुछ मानते हैं कि कोई शेख तकी इनके गुरु थे, कोई कहते हैं पीर पैगंबर थे, कोई वे इनके गुरु थे, कोई मानते हैं कि इनके कोई गुरु नहीं था, मानस गुरु थे, परंतु अधिकांशतः जो मान्यता है, जो शोधों के आधार पर निष्कर्ष निकला है उनके आधार पर यही माना जाता है कि स्वामी रामानंद ही इनके गुरु थे। और नाभादास के भक्तमाल में भी जो दोहा आता है उसमें भी कबीरदास के गुरु स्वामी रामानंद को ही माना गया है। और जो निर्गुण भक्ति काव्य की परंपरा, संतों की परंपरा हमें जयदेव, नामदेव आदि से मिलती है, वहाँ हम देखते हैं कि वे संत किसी पंथ को नहीं चलाते हैं, उनकी कोई पंथ परंपरा आगे नहीं चल रही है। कबीर भी पंथ के विरोधी रहे हैं, वे भी पंथ परंपरा के समर्थक कभी नहीं रहे हैं, पर परवर्ती काल में संतों के आगे अनेक संप्रदाय, उप संप्रदाय बनने लगे। रविदास का भी पंथ परंपरा आगे चल पड़ी, कबीर की भी पंथ परंपरा चली, और ये जो परंपरा का व्यवस्थित रूप से जो प्रारंभ है वो नानक देव के बाद शुरू हुआ। नानक देव के बाद सिख संप्रदाय की जब स्थापना की गई तो उस संप्रदाय के बाद अगले आने वाले संतों में जैसे दादू दयाल हैं या बाबा लाल हैं या जम्बो जी हैं, इन सब के आगे पंथ चलने लगे। तो पंथ परंपरा हमें संत काव्यों में दिखाई देती है। तो अभी हम पहले चर्चा करेंगे कि इन संतों की विचारधारा क्या थी, उनकी दार्शनिक विचारधारा क्या थी, सामाजिक उनकी चेतना कैसी थी, उनके अनुसार समाज कैसा था, समाज में वे किस तरह से जागृति ला रहे थे। आप देखिए, चाहे वे नामदेव थे, छिपी जाति से थे, सदना कसाई थे, सेना नाई थे, तो कबीर जुलाहा थे, दादू दयाल धुनिया थे, रुई धुनने का व्यवसाय, तो ये सब छोटी जातियों से थे, श्रमजीवी थे, शिल्पोपजीवी थे, परंतु इन छोटी जातियों में उत्पन्न होने पर भी, अपने कर्म को करते हुए भी, अपने व्यवसाय, अपने पैतृक व्यवसाय को करते हुए भी एक उच्च आदर्श समाज के सामने प्रस्तुत किया। कि जात पात पूछे नहीं कोई, कि कोई छोटी जाति में उत्पन्न हो रहा है या बड़ी जाति में, जाति से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, अपने कर्म से व्यक्ति बड़ा या छोटा होता है। ये आदर्श
इन संतों ने समाज के सामने रखा। और इन संतों का दूसरा आदर्श रहा प्रवृत्ति में निवृत्ति, काम में राम, कि अपने कर्म का परित्याग, जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा स्वधर्म है, उसका पालन करते हुए ईश्वर का ध्यान करना। ये नहीं कि सब कुछ छोड़ करके संन्यास ले लो या वनों में जा करके, गुफाओं में जा करके और ईश्वर का ध्यान करो और अपने कर्तव्य से विमुख हो जाओ। ऐसा किसी संत ने नहीं किया। ये सभी संत अपने पैतृक व्यवसाय को भी करते रहे और अपने अंदर राम नाम की ज्योत वो भी प्रज्वलित करते रहे। तो कबीर की अगर हम दार्शनिक विचारधारा देखते हैं तो वे नामदेव की, संत ज्ञानेश्वर की, स्वामी रामानंद की जो परंपरा चली आ रही थी, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। जैसे संत नामदेव ईश्वर को सर्वव्यापक मानते हैं, सभी स्थानों पे सर्वज्ञ के रूप में देखते हैं, कबीर भी उसी तरह से कहते हैं, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। इसी तरह से जैसे नामदेव कहते हैं कि ईश्वर बाहर भी है और ईश्वर हमारे भीतर भी है, तो बाहर और भीतर ईश्वर कैसे विद्यमान है, उसके लिए कबीर बहुत सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। सामान्य जीवन से दृष्टांत लेते हैं, कहते हैं जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तथ्य कथियो ज्ञानी। कि जैसे एक घड़े के भीतर जल है, हमने नदी में घड़े को डाला तो नदी के अंदर भी पानी है और घड़े के अंदर भी पानी है, तो घड़े के भीतर का जल और घड़े के बाहर का जल है तो एक ही, दोनों में अंतर नहीं है, पर घड़े के अंदर आ जाने के कारण वो कुंभ का जल। तो ये कुंभ जीव का प्रतीक है, शरीर का प्रतीक है, और कुंभ में जल जीवात्मा का प्रतीक है। तो आत्मा जो है वो परमात्मा का ही रूप है, वे परमात्मा का ही अंश है, वही स्वरूप है। तो जैसे जल के अंदर घड़ा पानी है, कुंभ के अंदर जल है और कुंभ के बाहर भी जल है, तो जल बाहर भीतर दोनों ओर पानी है। तो ईश्वर बाहर भी है और ईश्वर हमारे भीतर भी है। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, घड़ा अगर फूट जाता है तो जो घड़े के अंदर का पानी था वो बाहर के पानी में समा गया, व्यष्टि जो है वो समष्टि में समाहित हो जाती है। कबीर बड़े सुंदर शब्दों में कहते हैं, हेरत हेरत हे सखी रही, हेरत रहिया हेराय, बूंद समानी समुंद में सोकत देखत जाए। कि बूंद जो व्यष्टि है, जीवात्मा है, वो जाकर के समष्टि परमात्मा में समाहित हो जाती है, और जब भी उसमें समा जाती है तो कहाँ देखा जा सकता है। और दूसरी ओर समष्टि भी व्यष्टि में कैसे समाहित हो जाती है, वहाँ भी कहते हैं, एक और कहते हैं, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरत जाए। दूसरी ही साखी में, उसकी अगली ही साखी में कहते हैं, उसमें कहा बूंद समानी समुद्र में, यहाँ कहते हैं समुद्र समाना बूंद में सोकत हेरत जाए। समुद्र समष्टि का प्रतीक है, परमात्मा का प्रतीक है, और वह परमात्मा समष्टि रूप व्यष्टि के रूप में जीव के भीतर समा जाता है और उसको देखा नहीं जा सकता। तो इस तरह से जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, वे सर्वव्यापक है। तो जो सर्वव्यापक है उस वो कहीं गया ना आया, वो तो हर प्राणी के भीतर विद्यमान है, पाती पाती जी, प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक पत्ते पत्ते में ईश्वर की सत्ता विद्यमान है। तो वे कहीं उसको ढूंढने के लिए किसी वन में जाने की, किसी तीर्थ स्थल पर जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी मंदिर मस्जिद में जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई दौड़े मथुरा, कोई द्वारका धाई, तो विभिन्न तीर्थ स्थानों में जा जा करके परमात्मा को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है।
घट घट में है साईं रमता। वे परमात्मा तो सभी प्राणियों के शरीर में बसता है, सभी प्राणियों के भीतर विद्यमान है। ये कबीर की दार्शनिक विचारधारा है, ये उनका दर्शन है। और इसी तरह से यही परमात्मा जब शरीर में प्रवेश करता है, यही जीव आत्मा जब शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो माया के वशीभूत हो जाती है, और माया के वशीभूत होने के कारण सांसारिक आकर्षणों में, भौतिक सुख सुविधाओं में, भौतिक विलासिता में डूब जाती है, और उसके कारण वे अपने वास्तविक स्वरूप को, जो उसका सच्चा स्वरूप है, जो उसका आत्म स्वरूप है, उसको भुला देती है और इस संसार में, इस मिथ्या जगत में भ्रमित होने लगती है। वो इस मिथ्या जगत में ही विचरण करने लगती है और झूठे संसार को सच्चा मानने लगती है। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, कि वो तो झूठा सुख है संसार का सुख, वे तो सच्चा सुख नहीं है। और उस झूठे सुख को सच्चा सुख मान करके मन ही मन आनंदित होने लगती है, मन ही मन प्रसन्न होने लगती है। जबकि संसार कैसा है, खलक चबैना काल का, वो तो काल का, मृत्यु का चबैना है, नाश्ता है। कुछ मुख में कुछ गोद, कुछ को तो उसने काल ग्रसित कर लिया है, अपने अंदर समा लिया है, और कुछ उसकी गोद में है, कुछ उसके मुख में जाने के लिए तत्पर है। तो इस तरह से कबीर और अन्य संतों ने समाज में माया का आकर्षण दिखाया। माया महा ठगिनी हम जाने, कि वो सबसे बड़ी ठगिनी है और वो सभी जीवों को भ्रमित किए हुए है। और माया जो है फंदा लेकर के बाजार में बैठी हुई है और सबको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, सबको अपनी ओर खींच रही है। और इस माया के आकर्षण से बचने के लिए सभी संतों ने गुरु की शरण में जाने के लिए कहा, कि गुरु की शरण में जा कर के नाम का जप करो, प्रभु ज्ञान प्राप्त करो, प्रभु का नाम स्मरण करो और ईश्वर की प्राप्ति के लिए सत्कर्म करो, आचरण की पवित्रता रखो। जब ये आचरण की पवित्रता की बात करते हैं तो समाज में देखते हैं कैसी विकृतियां हैं, समाज में किस तरह से लोगों की कथनी और करनी में अंतर है। जैसी मुखते निख से तैसी चाले नाही, कि जो मुख से कह रहे हैं आचरण वैसा नहीं है, व्यवहार वैसा नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे मनुष्यों की संज्ञा तो वो श्वान से करते हैं, कुत्ते से करते हैं, कि वे प्राणी नहीं है, ते श्वान गति, कि उनकी गति तो श्वान के जैसी है। तो जो मुख से निकले हमारी कथनी, हमारी करनी, हमारी रहनी, ये तीनों एक हो, तभी समाज की प्रगति हो सकती है, तभी समाज की उन्नति हो सकती है। और इन सभी संतों ने जो भी कहा अपनी स्वानुभूति के आधार पर कहा, सहज रूप में कहा। वे कहीं किसी पुस्तकालय में नहीं गए, कोई पुस्तक नहीं पढ़ी, कोई स्कूल कॉलेज नहीं गए, ना कोई काजी, कोई मौलवी, कोई पंडित उनको घर में पढ़ाने के लिए आता था, कोई शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त नहीं किया था। जो भी जाना अपनी प्रतिभा के बल पर, अपने अनुभवों के आधार पर, जीवन के अनुभवों के आधार पर जाना। और कबीर तो स्वयं स्पष्ट पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करते हैं, वे तो स्पष्ट कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, कि प्रेम की आवश्यकता है समाज में, कमी है तो इस प्रेम की, मानव प्रेम की कमी है। एक प्राणी दूसरे प्राणी के प्रति, एक जीव दूसरे जीव के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव रखे हुए है, घृणा का, शत्रुता का भाव रखा हुआ है, और पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करके, शास्त्रों को पढ़ करके ये प्रेम नहीं आएगा। मानव मात्र में वही ईश्वर विद्यमान है। तो दार्शनिक रूप से ईश्वर को सब घट में विद्यमान कह करके समाज को एक दिशा दे रहे हैं, समाज को प्रबोधित कर रहे हैं
कि हर जीव में, हर प्राणी में ईश्वर विद्यमान है, इसलिए सम दृष्टि रखो, समता का भाव रखिए। और इस तरह से कबीर जो है वे ईश्वर की परम ब्रह्म की बात करते हैं, निर्गुण ब्रह्म कहते हैं, परंतु उसके लिए संबोधन सगुण के करते हैं। वे अपने पदों में बार बार राम शब्द कहते हैं, पर साथ ही कह देते हैं कि जो दशरथ पुत्र राम है उनकी बात नहीं कर, दशरथ सुत तिउ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, कि जो राम है वो राम ब्रह्म का प्रतीक रूप में है, एक सिंबल है, और उसका मर्म, उसका रहस्य कुछ और ही है। मैं जिस राम की बात कर रहा हूँ वे दशरथ पुत्र राम नहीं है, वे राम तो कुछ और ही है, उसका रहस्य तो कुछ और ही है। और इस रूप में परमात्मा के प्रति अपनी एक निष्ठा को प्रकट करते हुए, भक्ति भाव को प्रकट करते हुए, और उसके पश्चात वे समाज को एक दिशा प्रदान कर रहे हैं, मानव मूल्यों की स्थापना कर रहे हैं, जिन मूल्यों का समाज में ह्रास हो रहा था, जिनके कारण समाज अवनति की ओर जा रहा था, जिनके कारण देश का विकास रुक रहा था, उन मूल्यों के प्रबल पक्षधर बन करके कबीर आते हैं और समाज की विकृतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाते हुए कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सब की खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, कि वे समाज में समाज का भला चाह रहे हैं और बीच चौराहे में खड़े होकर के कहते हैं सबकी खैर, मैं तो सबका भला मांग रहा हूँ, सबके मांगता हूँ कि सब सबकी प्रगति हो, सबकी उन्नति हो, और उसके लिए आवश्यक है पहले अपने जीवन में उतारने की, पहले स्वयं अपना आचरण शुद्ध करें, स्वयं को पवित्र करें। और देश में जब मुगलों का शासन था और जब समाज निरंतर निराशा के अंधकार में डूबा हुआ था, जहां चारों ओर अव्यवस्था का साम्राज्य था, जहां अराजकता बनी हुई थी, ऐसे में क्रांति की मशाल लेकर के समाज सुधारक के रूप में, एक युग प्रवर्तक के रूप में कबीर सामने आते हैं। और कबीर स्वयं स्पष्ट कहते हैं कि मैंने तो अपना घर जला दिया और मैंने हाथ में मशाल ले लिया, मैं घर जा रहा हूँ अपना लिया मुराड़ा हाथ, अब जा रहा हूँ घर तास का जो चले हमारे साथ, कि जो इस समाज में चेतना जगाने की मशाल को लेकर के मैं तो आगे बढ़ गया हूँ, और जो इसमें मेरा साथ देना चाहता है उसे पहले स्वयं को बदलना होगा, उसे पहले स्वयं में अपने आचरण में पवित्रता लानी होगी और फिर वो मेरे साथ चले। तो इस तरह से कबीर जो है समाज में जहाँ जहाँ विकृतियाँ थी, चाहे वे धर्म के नाम पर विकृतियाँ फैली हुई थी, बाह्य आडंबर फैले हुए थे, पाखंड फैले हुए थे, मूर्ति पूजा को लेकर के, पंथवाद को लेकर के, बहुदेववाद को लेकर के, जो धार्मिक दृष्टि से अनेक आडंबर फैले हुए थे, कबीर और उनके परवर्ती, उनके समकालीन सभी संतों ने उनका विरोध किया। कबीर के ही समकालीन संत रविदास रहे, परंतु वह विरोध उस रूप में नहीं करते हैं जिस रूप में कबीर करते हैं। कबीर की आवाज़ में एक अखड़ता है, एक फक्कड़पन है, एक स्पष्टवादिता है, बेलागपन है, जबकि उसी बात को संत रविदास बड़े विनम्र शब्दों में कहते हैं, बड़ी विनम्रता से उसी बात को संत रविदास कहते हैं, और कबीर स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं। और धर्म के नाम पर जो आडंबर प्रचलित थे और उनको वो कहते हैं, वेद कतेब कहो मत झूठा, झूठा जो न विचारे, कि एक ये परंपरा उस समय चल पड़ी कि वेद विरुद्ध परंपरा चलने लगी, तो शास्त्र की परंपरा का विरोध होने लगा। तो कबीर वहाँ स्पष्ट कहते हैं वेद और कतेब, कतेब से अभिप्राय कुरान से है,
कि हिंदू धर्म ग्रंथ हो या मुस्लिम धर्म ग्रंथ हो, वे झूठे नहीं हैं, वे सही हैं। झूठे जो न विचारे, जो इन पर सही रूप से अच्छे विचार नहीं करता है, इनको ठीक ढंग से समझता नहीं है, वह झूठा है। तो इस तरह से वे काजियों को भी फटकारते हैं, मौलवियों को धिक्कारते हैं, पंडाओं को धिक्कारते हैं, और अवधु योगियों को उनका जमकर तिरस्कार करते हैं। मौलवी से वो जो नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, उसका भी विरोध करते हैं कि कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे बहिरा हुआ खुदाए। कि तुम मस्जिद बना करके जोर जोर से अल्लाह अल्लाह चिल्ला रहे हो, तो क्या ईश्वर तुम्हारा बहरा है, वो सुनता नहीं है? तो चीटी के पग नेवर बाजे सो भी साहब सुनता है। कि छोटा सा प्राणी चींटी भी, उसके भी पीड़ा को ईश्वर जो है वो देखता है, वो भी साहब सुनता है। तो इस तरह से बाह्य आडंबर करने से, दिखावा करने से कुछ न, जिस तरह से मुल्ला को फटकार रहे हैं, उसी तरह से पांडे को भी, पांडे को भी संबोधित करते हुए कहते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासे तो चक्की भली पीस खाए संसार। तो मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं। अब देखिए, उस समय समाज में एक और हिंदू धर्म था जहाँ अवतारवाद था, बहुदेववाद था, जहाँ अनेक पंथ संप्रदाय थे, जहाँ ऊंच नीच का भेदभाव था, और दूसरी ओर शासक वर्ग का धर्म इस्लाम धर्म था, जो एकेश्वरवादी था, जो मूर्ति विरोधी था। तो दोनों संस्कृतियों का जब सम्मेलन हो रहा है, तो इन विकृतियों के कारण एक टकराहट की स्थिति, एक वैमनस्य की स्थिति बन गई थी। और इन संतों ने दोनों धर्मों के बीच में सौहार्द स्थापित करने के लिए, दोनों धर्मों में जो विकृतियां थी उनका विरोध किया, और जो दोनों धर्मों का सत पक्ष था, जो दोनों धर्मों का सकारात्मक रूप था, क्रियात्मक पक्ष था, उसका समर्थन किया। और इस रूप में बहुदेववाद का विरोध करते हुए वे परमात्मा को घट घट वासी मानते हैं, सबके भीतर विद्यमान मानते हैं, और दोनों धर्मों में एक सौहार्द स्थापना करने की प्रयास किया। और मानव धर्म सर्वोपरि है, मानव प्रेम सर्वोपरि है, ये संदेश समाज को देते हैं। समाज के लिए सबसे बड़ा संदेश उनका यही रहा, प्रेम करो। और यही संदेश लेकर के सूफी भी आए, वे भी भारत की प्रेम कथाओं को लेकर के प्रेमाख्यानों की रचना करते हैं, और उसके माध्यम से प्रेम का महत्व बताते हैं, प्रेम को सर्वोपरि बताते हैं। और संत भी उसी प्रेम की बात करते हैं, संत भी अलौकिक ईश्वरीय प्रेम की चर्चा करते हैं, कि ईश्वर का प्रेम जो है वो सभी प्राणियों के प्रति समान रूप है। ईश्वर किसी भी प्राणी के प्रति भेदभाव नहीं करता, और ये सभी भेदभाव मानव निर्मित हैं, ईश्वर निर्मित नहीं है। तो हमें अगर अपने समाज को उन्नत करना है, अगर हमें आत्मिक विकास करना है, तो सभी प्राणियों के प्रति समभाव, समदृष्टि रखनी होगी। और उदार चेता इन सभी संतों ने उदार हृदय से समाज को में एक जन जागृति लाने का प्रयास किया। और जो उस समय समाज की स्थिति थी, लगभग वही स्थिति आज भी समाज में है। आज भी संतों की यही वाणियाँ हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। आज भी वे हमें उन मूल्यों को की शिक्षा देती हैं जिनको हम भुलाते चले जा रहे हैं। तो संतों की जो वाणी है, संतों के जो उपदेश हैं, वो प्रत्येक काल में सर्वदा प्रासंगिक रहेंगे। और इस तरह से मित्रों, आज हमने चर्चा की संत काव्य की परंपरा की, और उसमें कबीर के स्थान की, और कबीर की हमने विचारधारा को जाना, और कबीर की जो विचारधारा है वही अन्य संतों की भी है। सभी संतों का मूल मंत्र मानव प्रेम है।
मानवतावाद की प्रतिष्ठा है, और इसको हम अपने जीवन में लागू करें तो हमारे समाज, हमारा आत्मिक विकास होगा, हमारे समाज का, हमारे देश का विकास होगा। इसी के साथ आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर विनीता कुमारी को, जिनके माध्यम से आज हमने इस बहुत ही अहम विषय पर चर्चा की। और मित्रों, हम यही चाहेंगे कि आप अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने प्रश्न हमारे साथ ज़रूर साझा करें info.cec@nic.in पर। आप सभी मित्रों से पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर। धन्यवाद।